Subscribe to Web Institute and get the international education about computers and technical science. Dear student, ये JavaScript का chapter 5 है जिसमें हमें mathematical calculation को variables की मदद से solve करना सीखना है. Okay, dear student, अगर आपने variables को अच्छी तरह से पढ़ लिया है तभी यह वीडियो आपको समझ में आएंगी. Previous topic में मैंने आपको variables के बारे में बताया था. एक बार recall करते हैं कि variables किन्हें कहा जाता है. अगर हम किसी डेटा को रैम में स्टोर करना चाहते हैं तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स की सहायता लेते हैं. ओके, वेरिएबल्स का सिर्फ इतना काम है कि ये आपको मदद करेगा रैम में डेटा को स्टोर करने में. और वेरिएबल्स की मदद से ही आप रैम में स्टोर किए गए डेटा पे किसी भी प्रकार का काम कर पाएंगे. ओके, आप ध्यान रखें, डेटा वेरिएबल्स में स्टोर नहीं होते हैं, रैम यानी कि मेमोरी में स्टोर होते हैं. और उस डेटा पे कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए हम वेरिएबल्स का उपयोग करते हैं. ओके, आप एक्सपेक्ट करें कि हमें एक छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न. तो इसे जावास्क्रिप्ट के शब्दों में कैसे सॉल्व किया जाएगा वो हम इस वीडियो में अचीव करेंगे. ओके, डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन राइट किया है. इस क्वेश्चन के पैटर्न के अनुसार आपको 6 और 4 की एडिशन करनी है वेरिएबल्स की मदद से. तो ये जावा स्क्रिप्ट में आप कैसे करोगे ये आप देखो. सपोज करें कि आप बिना वेरिएबल्स का एडिशन करना चाहते हैं 4 और 6 का. ओके, पहले की अचीव करते हैं. तो जावा स्क्रिप्ट के कोड को एक्टिवेट करने के लिए आप बॉडी या हेड के अंदर स्क्रिप्ट टैग को शुरू करके बंद कर लेंगे. ओके, अब जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोडिंग को आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही राइट करेंगे. क्या ऐड करनी है आपको, 4 और 6 को या 6 और 4 को? तो सबसे पहले आप ये सोचें कि वेरिएबल्स की मदद से करनी है या बिना वेरिएबल्स की मदद से करनी है. तो पहले अचीव करते हैं बिना वेरिएबल्स की मदद से आप कैसे करोगे. सिंपली आप कोई भी आउटपुट पॉसिबिलिटीज़ का नाम लिखोगे, window.alert, console.log, document.write, innerHTML, किसी का भी आप उपयोग करोगे. इनर HTML पे अभी आपको ध्यान नहीं देनी है, फिलहाल आप सीखें कि window.alert में बिना वेरिएबल्स का 6 और 4 को आप कैसे कैलकुलेट करोगे. सिंपली मैंने क्या किया है, पैरेंथिसिस के अंदर इस इक्वेशन को राइट कर दिया है. ऑटोमेटिक पॉसिबिलिटी के अंदर जो भी डेटा राइट होते हैं अगर वो मैथमेटिकल के कैलकुलेशन फॉर्मेट में हैं तो ऑलरेडी वो कैलकुलेट होके आपके सामने रिजल्ट को प्रोड्यूस करेंगे. सिंपली मैंने सेव करके रन किया, आप ध्यान से देखो यहाँ पे कैलकुलेट होके आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है. आप किसी भी प्रकार के मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आप राइट कर सकते हो. जैसे मैंने राइट किया 4 के बाद इंटू 8.6 डिविजिबल बाई 9. सिंपली मैंने सेव कर लिया, रन करके चेक करता हूँ. आप देखो ये कैलकुलेट होके आपके सामने रिजल्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके, लेकिन अगर मैं इसे डुअल कोड से लॉक कर दूँ तो क्या ये कैलकुलेट होके आएगा? कभी नहीं आएगा, ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा. क्योंकि अब जो आपका इंटरप्रेटर है इसको क्या समझेगा, स्ट्रिंग समझेगा, शब्द समझेगा. क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, ड्यूअल कोड से लॉक किया है. और कभी भी शब्द कैलकुलेट नहीं होते हैं, नंबर कैलकुलेट होते हैं. अगर मैं सेव करके रन करूँ तो आप ध्यान से देखो वो एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है. ये नंबर था इसलिए हमने क्या किया था, इसे डुअल कोड से लॉक नहीं किया था, इस वजह से नंबर के फॉर्मेशन के अनुसार ये हमारे सामने कैलकुलेट होकर मैसेज डिस्प्ले कर रहा था. ओके, अब सीखते हैं कि वेरिएबल्स की मदद से आप एडिशन कैसे करोगे. सबसे पहले आप डिसाइड करो कि कितने डेटा पे आपको टास्क परफॉर्म करना है. जैसे आपको 6 और 4 की एडिशन करनी है. ओके, कितना डेटा मौजूद है यहाँ पे, 1, 2,
दो डेटा मौजूद है, तो आप ध्यान रखें जितना डेटा होगा आपके पास आप उतने वेरिएबल्स को बनाएंगे। ओके, तो सपोज़ करें कि मैंने एक वेरिएबल बनाया x के नाम का, इसमें स्टोर करता हूँ 6। ये पहली स्टेटमेंट है यानी कि इंस्ट्रक्शन, तो इसे मैं टर्मिनेट कर दूंगा। ओके, फिर मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया y के नाम का और इसमें मैंने असाइन किया 4। ओके, अब जरा आप ध्यान दें, आपने लिखा है x असाइन 6, y असाइन 4। मैं x इज इक्वल टू 6 क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ? क्योंकि प्रोग्रामिंग के शब्दों में इज इक्वल टू इसे कहा जाता है। ओके, तो आप इसे कैसे पढ़ोगे? x असाइन 6, क्योंकि ये जो आप चित्र देख रहे हो इसे प्रोग्रामिंग के शब्दों में असाइन कहा जाता है। ओके, तो आप ऐसे पढ़ना x असाइन 6, y असाइन 4। तो ये आपके शब्दों में आपको फील हो रहा है कि ये एक वेरिएबल है, लेकिन आपको इंटरप्रेटर को समझाना होगा कि ये जो x मैंने राइट किया है ये कोई ऑर्डिनरी x नहीं है, ये मेरा वेरिएबल वाला x है। तो ध्यान रखें जब भी आप वेरिएबल्स को बनाएंगे तो वेरिएबल्स का नाम लिखने से पहले आप वार कीवर्ड का यूज करेंगे, या इसे आप वैर भी पढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद स्पेस देकर आप जिसे वेरिएबल मानना चाहते हो मानो और असाइन करके उसमें डेटा असाइन कर दो। ओके, फिर दूसरा वेरिएबल बनाने से पहले हमें क्या करना होगा? दूसरे वेरिएबल के नाम के पहले वार कीवर्ड का यूज करना होगा। ओके, फिर इसमें जो डेटा आपको असाइन करनी है आप असाइन कर दो। ओके, अब x में क्या है 6, y में क्या है 4, कोई भी पॉसिबिलिटी आप कॉल करें जैसे विंडो डॉट अलर्ट और इसे टर्मिनेट कर दे, और ये जो पैरेंथिसिस है इसके अंदर आप अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन को राइट करें, जैसे मैंने राइट कर दिया x प्लस वाई। तो अब इसका क्या मतलब है? x यहाँ क्या रिटर्न करेगा 6, y यहाँ क्या रिटर्न करेगा 4। तो टेक्निकली आप इसे अगर समझे तो x की जगह क्या है अभी 6 है, y की जगह क्या है अभी 4 है। ओके, लेकिन ध्यान दें ये वेरिएबल का नाम है और वेरिएबल के नाम को कभी भी हम ड्यूअल कोट से लॉक नहीं करेंगे, नहीं तो ये एज इट इज स्ट्रिंग के रूप में प्रिंट हो जाएगा। जब भी वेरिएबल का नाम आप लिखें किसी भी पॉसिबिलिटी के अंदर तो उसे नंबर की तरह ही लिखें, क्योंकि वेरिएबल्स क्या रिटर्न करेगा? पॉसिबिलिटी के अंदर कोई ना कोई नंबर को ही रिटर्न करेगा। तो x में क्या साइन है 6, तो x की जगह क्या आएगा 6, y में क्या साइन है 4, तो y की जगह क्या आएगा 4। तो ऑटोमेटिक 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, अगर आप रन करके चेक करोगे तो 10 रिजल्ट ही आपके सामने प्रीव्यू होगा। ओके, अब इसे और सिस्टमेटिक करने के लिए आप थोड़ा और स्टैंडर्ड बना सकते हो इसे, कैसे वो जरा आप देखिए। सिंपली आप एक और वेरिएबल बना लो जेड के नाम का और इसमें असाइन कर दो एक्स प्लस वाई। तो अब जरा आप समझो x प्लस वाई कैलकुलेट होके किस में जाएगा? z में। आपका आंसर कहाँ है? z में। आप क्या करोगे? किसी भी प्रकार के पॉसिबिलिटी को कॉल करोगे टर्मिनेट करके, उसके पैरेंथेसिस में पास कर दोगे z को। अब z में क्या है आपका? आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यानी कि 6 और 4 का एडिशन है आपके z में। ओके, सिंपली अगर आप सेव करके रन करोगे तो अभी भी 10 रिजल्ट ही प्रिंट होगी। ओके, सो डियर स्टूडेंट, इसको अभी और डेप्थ में पढ़ना है आपको, डिस्क्रिप्शन में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लिंक है। आप जावा स्क्रिप्ट या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक इंजीनियर की तरह पढ़ना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो कि सॉफ्टवेयर और गेम्स एप्लीकेशन कैसे डेवलप किया जा सकता है जावा स्क्रिप्ट के शब्दों में, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक पे एक बार क्लिक करके एटलीस्ट ज़रूर देखें कि कोर्स में किस प्रकार की एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, सो वीडियो में परफेक्शंस लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कोई प्रॉब्लम्स या क्यूरीज है तो कमेंट बॉक्स में राइट करें या मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक करें। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। सब्सक्राइब टू वेब इंस्टीट्यूट एंड गेट द इंटरनेशनल एजुकेशन अबाउट कंप्यूटर्स एंड टेक्निकल साइंस।